यहां सिर्फ प्रूव किया गया है कि बच्चे की साइकोलॉजी को हर बंदा समझता है। सर क्या उसका माइंड कहीं दिखता है? वो किसी ना किसी जुस्तजू में, किसी ना किसी रिसर्च में, किसी ना किसी लगन में रहता है, हर टाइम बिजी, बिजी लाइक अ बी। तो उसके माइंड के कनेक्शन काम करते हैं, उससे उसको कनेक्टिविटी मिलती है। हम जब कनेक्टिविटी में रहते हैं, हम जब कनेक्शन में रहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस तरह का सोचेंगे, जो आप सोचेंगे, उस तरह के मामलात आपके होने लगेंगे, उस तरह की चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, उस तरह की चीजें आपसे मिलना शुरू हो जाएंगी। क्यों? आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, आपको स्टेप्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहां पे उन दोनों थ्योरियों को आगे नेक्स्ट कर दिया और दूसरा थ्योरी को कंप्लीट कर दिया गया जी, कि फिक्स माइंडसेट क्या है और ग्रोथ माइंडसेट क्या है। फिक्स माइंडसेट कहता है जी, एबिलिटी कांट चेंज। क्या आप अपनी काबिलियत को बदल नहीं सकते? आप जो हैं, जो भी हैं, जहां भी खड़े हैं, बस वही हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि जरूर अपनी एबिलिटी को आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपनी एबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। ये आपके माइंडसेट पे है। अगर आपका स्टैग्नेंट माइंडसेट होगा तो फिर आप वहीं पे हैं जहां हैं, जो आप हैं, कहते बस मैं यही बन सकता हूं, मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो ये सोचते कि मैं ऊपर नहीं जा सकता, तो उसका डिक्लाइन है जी, वो नीचे आता है। और ये सोच ले कि मैं चेंज कर सकता हूं, तो उस पर जी वेल्थ स्केल थ्योरी काम करती है जी। वेल्थ स्केल थ्योरी उस पर काम करती है, वो ऊपर जाता है। अगर वो अपने पैशन पे खेले तो बहुत ऊपर जाता है। नेक्स्ट जी,